अफगानिस्तान के लिए भारत से गेहूं की पहली खेप रवाना, अफगानिस्तान राजदूत ने सरकार का जताया आभार। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इससे पहले वह सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। अमृतसर में आयोजित एक समारोह में अफगान राजदूत फ्रीन ममुंजे और भारत के विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक बिशा परजुली मौजूद थे। अफगान के लोगों के लिए गेहूं की पहली खेप के रूप में 50 ट्रकों के जरिए 2500 मैट्रिक टन गेहूं रवाना की गई। समारोह में मौजूद अफगानी राजदूत ने गंभीर खाद्य समस्या का सामना कर रहे अफगानों की मदद के लिए भारतीय सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि एक महीने के दौरान करीब 50,000 मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंचाई जाएगी। इसे खाद कमी का सामना कर रहे अफगान लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। वर्चुअल साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि सरकार खाद्यान्न कोविड वैक्सीन के साथ जरूरी दवाएं अफगान के लोगों के लिए लगातार भेज रही है। पिछले दिनों में अफगानिस्तान को 3.6 टन चिकित्सा सहायता और कोविड टीकों के 5,00,000 खुराक की आपूर्ति की गई है। गौरतलब है कि भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के ट्रांजिट सुविधा का आग्रह किया था ताकि भारत सड़क मार्ग द्वारा अफगानिस्तान गेहूँ भेजने की शर्त के साथ ट्रांजिट सुविधा को मंजूरी। An agreement with the World Food Program for the dissemination of this wheat in Afghanistan. You are also aware that India's humanitarian assistance to Afghanistan already started with our extending 5,00,000 doses of Covaxin vaccines to Afghanistan, some 13 tons of essential life-saving medicines and winter clothing, and this was provided to the UN offices in Afghanistan, the WHO, as well as the Indira Gandhi Hospital in Kabul. सर, भारत ये मदद काफी पहले से करना चाह रहा था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान इस मानवतावादी पहलू को भी इग्नोर किया और रास्ता देने में। हाँ, हमारी जो आपको शायद याद होगा कि अब G20 का अफगानिस्तान का स्पेशल कॉन्फ्रेंस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि अफगानिस्तान को हम मानवीय सहायता देंगे। उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी यूएन के अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस पर ये बताया था कि 50,000 टन वीट गेहूं अफगानिस्तान को हम देंगे। उसके बाद हमने पाकिस्तान को जिक्र किया था कि ये कंसाइनमेंट का ट्रांजिट फैसिलिटेट हो। आपको याद होगा कि कई यूएन रेजोल्यूशंस हैं जो एम्फेसाइज करते हैं कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मानवीय सहायता अफगानिस्तान के तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है भेज रही है उसका ट्रांजिट, उसका फैसिलिटेशन होना चाहिए। तो आज ये जो कंसाइनमेंट है अटारी आईसीपी से जलालाबाद वाया पाकिस्तान जाएगी,
और खुशी की बात है कि अफगानिस्तान के लोगों को भारत की तरफ से ये सहायता पूरी होगी और ये एक पहला कंसाइनमेंट है। इसके बाद कई कंसाइनमेंट जाएंगे और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में ये पूरी कमिटमेंट फुलफिल हो जाएगी। सर, पाकिस्तान से वो पाता रोड के जरिए इसकी चर्चा हुई है। आज हम ये मानवीय अफगानिस्तान के मानवीय स्थिति देखते हुए ये कंसाइनमेंट उसी दौरान जा रही है और हमारा फोकस यही है कि अफगानिस्तान के लोगों को ये सहायता जल्दी से जल्दी मिले और हमारा जो प्रयास है इसी दिशा पे लगा हुआ। सर, एक्सीलेंसी अफगानिस्तान ने कहा कि ये शायद आपको आप राजदूत साहब को पूछेंगे, ही सेइंग दैट द कंसाइनमेंट वाज मोस्ट नीडेड इन नवंबर दिसंबर बट वेदर दिस इज आल्सो अ गुड टाइम टू गेट दिस। Are in the World Food Program for this partnership with the government of India and joining hand to support Afghan population. WFP estimates close to 22 million people, half of the population would need humanitarian aid. At the moment, WFP has reached 7 million people and with close to 200 trucks and nearly 600 people, 80% of them are Afghani. All the help Afghanistan receives would be of extreme value, and therefore this help coming from India is really timely and very important. We hope there would be continued support from India, as India has been always very close and generous to the people of Afghanistan. So WFP is extremely pleased, and I want to thank Secretary and the government of India for this partnership with the World Food Program. But you know, sir, India was thank you. जो assessments अभी भी international organizations कर रही हैं, उसमें ये सामने आ रहा है कि 20 मिलियन लोगों को अभी भी फूड की ज़रूरत है, 2 करोड़ लोगों को आज भी अनाज की ज़रूरत है, गंदम की ज़रूरत है। तो वी स्टिल रिक्वायर दिस असिस्टेंस, इट्स नॉट लेट, और पीपल आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। देयर इज पराजुली जी हु मे वोच टू दिस दैट वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ असिस्टेंस इन द मंथ्स अहेड। सो इट्स नॉट लेट, वी आर ग्रेटफुल फॉर द असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इंडिया by the Indian people, to the Afghan people. And like the Foreign Secretary Harsh Shangri-La ji said rightly, that our connect has been historic. Hamara rabta ek aitihasik rabta hai. और ये रबता भारत ने मुश्किल घड़ी में हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है, अफगानिस्तान के लोगों का साथ दिया है, जिस पे हम भारत सरकार का और भारतीय लोगों का मशहूर है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। सिंह जी, अं टारी सरहद पर खड़े हैं जी, ICP टारी जी। हाँ जी, की कहना चाहते जी? अं ये कहना चाहते जिस तरह कणक चली है उस तरह साडा काम, जिस तरह पाकिस्तान ना व्यापार चलता है पहला, सरकार गाड़ी साड़ी बेनती है कि वह भी चले। अं 3-4 साल तो बहुत इस तरह धक्के धोड़े खाधे, तो हूँ अज कणक चली तो अं बहुत खुश हैं। कि जगह जा रही है? अफगानिस्तान जा रही है जी। किन्ने ट्रक जा रहे हैं? ये अज 40 ट्रक जा रहे हैं जी। किन्नी कणक है टोटल? 40,000 आ गया जी। इतने 1433 कुली काम करते जी। लगता कि जो कोरोना काल से काफ़ी जो कि बहुत मंदे हाल जी, बहुत मंदे हाल जी। हाँ जी, कितनी खुशी दिला रहे? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। बहुत अपील करना चाहिए सरकार को, ये अपील करनी चाहना जिस तरह अगर काम चलता है साडा कारोबार उस तरह चले, कोई साड़ी तनखाह हो लगी हो पक्या किया जाए। हाँ जी, खुश हो गया करो। जी बहुत नाम दसो, जसवंत सिंह जी। कितने खड़े आप? जसवंत सिंह साडा नाँ आ, ते असीं ICP दे विच काम करदे आ, 4 साल हो गए साडे काम बंद होए नूं, अज साडा काम चलिया, थोड़ा जिहा कणक लोड होई आ, ते असीं थानूं बहुत खुशी आ, ते इदां ही चलना चाहीदा साडा कारोबार। ये कित्थे कणक जा रही है? ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ 50-60 ਟਰੱਕ 50-60 ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਟਰੱਕ ਬੋਰੀ ਪਈ ਹੈ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, 3-4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 13-14 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ।